राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर जानलेवा हमला करने वाला अरविंद केजरीवाल के खास विभव जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में विभव कुमार को लेने के देने पड़ गए। जब कोर्ट ने विभव कुमार के साथी अरविंद केजरीवाल को भी फटकार लगा दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बर्ताव पर शर्म आती है कि महिला के साथ जबरदस्ती की गई। अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। स्वाति मालीवाल मारपीट के मामले में जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभव कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए अरविंद केजरीवाल को लपेटा और पूछा कि क्या सीएम आवास गुंडों को रखने के लिए है। विभव कुमार ने गुंडे की तरह काम किया और मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुसा। उसने तब भी महिला पर हमला किया जबकि उसने अपनी शारीरिक स्थिति बता दी। कोर्ट ने पूछा कि एक महिला पर हमला करते हुए क्या उसे शर्म नहीं आई। अभिषेक मनु सिंघवी ने विभव की पैरवी करते हुए कहा कि एफआईआर 3 दिन बाद दर्ज कराई गई। मालीवाल थाने गई लेकिन बिना एफआईआर दर्ज कराए लौट गई। कोर्ट ने चार्जशीट के बारे में पूछा तो वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस आदेश को हमने चुनौती दी है उसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई है। सिंघवी ने हत्या के 2 मामलों में आरोपी को जमानत मिलने का हवाला दिया तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें उन मामलों का हवाला न दें क्योंकि यहाँ किस तरह से घटनाक्रम हुआ वो हमारी चिंता का कारण है। आपको एक महिला से ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आई? हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, हत्यारों को भी जमानत देते हैं, लेकिन इस मामले में किस तरह की नैतिक दृढ़ता है? सिंघवी ने कहा कि पहले दिन वो पुलिस के पास गई पर कोई शिकायत नहीं की, लेकिन 3 दिन बाद शिकायत दर्ज हुई। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या मालीवाल ने 112 पर कॉल किया? अगर हाँ तो ये आपके दावे को झूठा साबित करता है कि उसने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। सिंघवी ने माना कि वो मुख्यमंत्री आवास गई थी। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या सीएम का सरकारी घर निजी आवास है? क्या इसके लिए इस तरह के नियमों की जरूरत है? हम हैरान हैं। ये मामूली या बड़ी चोटों के बारे में नहीं है। हाईकोर्ट ने हर बात को सही तरीके से सुना है। कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर विभव की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। विभव पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से 13 मई को सीएम आवास पर मारपीट का आरोप है। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने 16 मई को एफआईआर दर्ज की थी। स्वाति ने दावा किया था कि वो केजरीवाल से मिलने उनके आवास गई थी। वहां विभव ने उन्हें सीएम से मिलने से रोका और मारपीट की। विभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, पेट और प्राइवेट पार्ट्स पर लात मारी। उसके बाद शर्ट के बटन टूट गए। मालीवाल के मुताबिक उनके कपड़े खुल गए थे लेकिन विभव ने मारना नहीं छोड़ा। विभव ने उनका सिर भी टेबल पर पटक दिया। केजरीवाल घर पर थे लेकिन फिर भी कोई मदद के लिए नहीं आया। अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल से इस्तीफा चाहते थे ताकि वे उनकी जगह अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेज सकें, लेकिन स्वाति मालीवाल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनके साथ इस तरह की घटना हुई। मारपीट की घटना के बाद आतिशी मार्लिन और सौरभ भारद्वाज सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं ने स्वाति मालीवाल पर बेहद बड़े गंभीर आरोप लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।